हाय एवरीवन आज हम पढ़ेंगे रिकर्जन्स के बारे में एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज स्टैक ओवरफ्लो एरर एंड आल्सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मेमोइजेशन एंड हाउ वी कैन रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम टू की बार एन टू ओ ऑफ एन सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर रिकर्जन्स रिकर्जन्स का मतलब होता है रिपीटेशन होना सेम चीज अगर बार बार रिपीट हो तो उसको हम बोलते हैं रिकर्जन्स ओके

ठीक है इसमें मैं अंदर सी आउट करती हूँ हेलो वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट आई एल अगेन कॉल प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन एंड एट दी एंड आई एम ऑल्सो अगेन प्रिंटिंग वन लाइन दैट इज दी एंड ओके नाउ लेट अस सी कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन सो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मेन फंक्शन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन को कॉल किया राइट right? जब आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो सबसे पहले इधर जाएगा इसके अंदर पहली लाइन क्या है सी आउट हेलो वर्ल्ड तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड ओके नेक्स्ट लाइन क्या है प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल होना तो फिर से ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन के अंदर जाएगा एंड उसके अंदर देखेगा पहली लाइन क्या है सी आउट हेलो वर्ल्ड तो फिर से सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा राइट right? उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है कोड की प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल होना तो फिर से ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन पे जाएगा एंड उसके अंदर नेक्स्ट लाइन कोड की क्या है सी आउट हेलो वर्ल्ड तो फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड इज़ अगेन कॉल द फंक्शन प्रिंट हेलो वर्ल्ड सो अगेन इट विल गो टू दिस फंक्शन एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड ओके तो आपको दिख रहा है कि इसका कोई एंड नहीं है एंड इट विल कंटिन्यू टू प्रिंट टिल इनफाइनाइट टाइम्स इट विल प्रिंट इनफेट टाइम्स बट एक्चुअली जब आप इस कोड को कोड uh, करेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा दट इज ओवर फ्लो एर इज टैक ओवरफ्लो एरर तो इस एरर को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि स्टैक क्या होती है एंड देन वे विल अंडरस्टैंड कि ये एरर क्यों आया था ओके okay? तो वॉट इज स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप जैसे जैसे एलिमेंट्स पुश करेंगे जिस डायरेक्शन से आप एलिमेंट्स पुश करेंगे उसी डायरेक्शन से आपके एलिमेंट्स निकलेंगे फॉर एग्जाम्पल पहला एलिमेंट था टेन फिर ट्वेंटी फिर थर्टी फिर एलेवन फिर ट्वेल्व ओके okay? तो पहले आपने एलिमेंट पुश किया टेन फिर ट्वेंटी फिर थर्टी फिर एलेवन एंड फिर ट्वेल्व तो आप इसमें से अगर एलिमेंट्स पॉप करना चाहेंगे तो आप सबसे पहले एलिमेंट ट्वेल्व निकाल सकते हैं जो एलिमेंट सबसे लास्ट में पुश हुआ होगा वो एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा ओके okay? तो आप इसमें से सबसे पहले ट्वेल्व निकाल सकते हैं फिर ही आप इलेवन निकाल सकते हैं एंड देन थर्टी देन ट्वेंटी एंड देन टेन ठीक है तो क्या होता है जब भी आप कोई फंक्शन जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो स्टैक की कुछ मेमोरी यूज कर लेता है एंड वो स्टैक में जाके स्टोर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल पहले आप सबसे पहले आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉल किया राइट तो ये फर्स्ट टाइम जब आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉल किया तो वो स्टैक में जाके कहीं पर स्टोर हो गया राइट अब इस प्रिंट हेलो वर्ल्ड के अंदर आपने देखा कि इसमें क्या था हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना था जो कि हो जाता है फिर उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल होता है दैट इज़ प्रिंट हेलो वर्ल्ड ठीक है तो फिर से नया फंक्शन कॉल हुआ है तो सेकेंड टाइम जब प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉल होता है तो फिर से वो नई स्टैक की मेमोरी यूज कर लेता है राइट एंड ऐसा चलता रहता है टिल थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ टिल इनफाइनाइट बट यू नो कि आपने पास जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है लिमिटेड होता है दैट मीन्स टैग की मेमोरी जो होगी वो भी क्या होगी लिमिटेड होगी तो ये इन्फाइनेट नंबर ऑफ टाइम्स तक फंक्शंस को स्पेस नहीं दे सकता है तो एक टाइम आएगा जब आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी फुल हो जाएगी तो जब मेमोरी फुल हो जाती है उसी टाइम हम क्या एरर रिटर्न करते हैं स्टैक ओवरफ्लो एरर ठीक है हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और वैसे भी हमारा क्वेश्चन किया था कि हमें सिर्फ टेन टाइम्स से प्रिंट कराना है सो हाउ वी कैन मॉडिफाई दिस फंक्शन ट विल राइट बॉइड प्रिंट हेलो मैं इसमें एक पैरामीटर फास्ट कर देती हूँ इन काउंट जो कि मुझे हर टाइम बताता रहेगा कि आप और कितनी बार हेलोवर्ल्ड प्रिंट करना है राइट तो स्टार्टिंग में जब आप अपने मेन फंक्शन में होंगे तो मेन फंक्शन में आपको जब प्रिंट हेलोवर्ल्ड कॉल करेंगे तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको काउंट कितनी बार आपको प्रिंट हेलोवर्ल्ड प्रिंट कराना है फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपको पांच बार प्रिंट कराना था तो आप यहाँ पर फाइव डाल सकते हैं राइट right? तो जब हमने यहाँ पर हमने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड ओके इसके बाद फिर से हमने एक फंक्शन कॉल किया प्रिंट हेलो वर्ल्ड ठीक है अब सिंस ऑलरेडी एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है तो मुझे अब वन टाइम्स कम प्रिंट कराना होगा तो मैं काउंट में क्या कर दूंगी माइनस माइनस एक माइनस कर दूँगी ताकि प्रिंट हेलो वर्ल्ड अब एक बार कम प्रिंट हो ठीक है इसके बाद मैं एक और लाइन प्रिंट करा रही हूँ दी एंड ठीक है तो अब हमारा आउटपुट कैसा बनेगा हम ये देखते हैं मेन फंक्शन में हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड फाइव टाइम्स कॉल कराया है ठीक है यहाँ पर हमने इनपुट में क्या दिया है फाइव ठीक है तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या है फाइव प्रिंट हेलो वर्ल्ड मेन फंक्शन से कॉल होगा तो ये इस पर जाएगा यहाँ पर देखेगा काउंट की वैल्यू फाइव है तो पहले आउटपुट में सी आउट क्या करेगा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड सी आउट कर देगा राइट उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड फोर कॉल होगा वॉट इट विल कॉल सबसे पहले आपका क्या हुआ था प्रिंट हेलो वर्ल्ड फाइव कॉल हुआ था इसके बाद क्या कॉल होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड फोर राइट ठीक है फिर प्रिंट हेलो वर्ल्ड फोर इधर से कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई फोर हो गई फिर से सी आउट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा ठीक है उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉल होगा एंड सी काउंट की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी ठीक है तो यहाँ से अब क्या होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड थ्री ठीक है ऐसे चलता रहेगा फिर से थी। 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 प्रिंट तक तक जब ये आएगा तब तक पांच बार प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब एक्चुअली इसको प्रिंट हेलोवर्ल्ड जीरो पे स्टॉप हो जाना था बट क्या क्या ये स्टॉप होगा नहीं बिकॉज काउंट की वैल्यू अब क्या जीरो है फिर भी सी आउट क्या करेगा ये हेलो वर्ल्ड ठीक है सी आउट वर्ल्ड एंड फिर से काउंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड किस पे चला जाएगा काउंट माइनस माइनस तो जीरो माइनस माइनस क्या होगा माइनस वन फिर से ये इस पर चला जाएगा तो यहां पर हमको एक कंडीशन ऐड करनी होगी एंड वो कंडीशन क्या होगी वो कंडीशन ये होगी कि इफ काउंट बिकम्स जीरो जीरो मीन्स काउंट जब जीरो के बराबर हो जाए तो सिंपली सिंपली फंक्शन में से रिटर्न कर जाओ ठीक है तो आपका जो नया फंक्शन होगा वो कैसा दिखेगा फॉर एग्जाम्पल लेट मी कॉल दैट फंक्शन एंड इंट काउंट ठीक है इसमें मैंने एक कंडीशन क्या लगा दी जब काउंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो मुझे फंक्शन से क्या कर जाना है रिटर्न करना ठीक है अदरवाइज सी आउट हेलो वर्ल्ड ओके एंड एंड कॉल दिस फंक्शन अगेन फंक्शन विथ काउंट माइनस माइनस राइट एंड देन अगेन सी आउट दी एंड तो अब ये मेरा जो फंक्शन है ये किस कैसे चलेगा फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन से मैंने क्या कॉल किया था मेन फंक्शन से मैंने कॉल किया था फंक्शन फाइव ठीक है तो अब फंक्शन फाइव जब मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है तो काउंट की वैल्यू क्या जीरो है नहीं यहाँ पे मैं एक स्टैक बना देती हूँ ठीक है आपका पहला फंक्शन तो पहली बार जब आपका फंक्शन कॉल होगा फर्स्ट टाइम तो ये स्टैक में एफ एन फाइव की कुछ स्पेस ले लेगा क्या काउंट की वैल्यू जीरो है नहीं ठीक है इट विल गो टू नेक्स्ट लाइन सी आउट हेलो वर्ल्ड तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हेलो वर्ल्ड आफ्टर दैट फंक फंक्शन काउंट माइनस माइनस नाउ अगेन फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड तो आपकी स्टैक uh, में से कुछ मेमोरी यूज हो जाएगी फॉर फंक्शन फोर ठीक है एफ एन फोर के लिए क्यों क्योंकि काउंट का वैल्यू क्या हो गया वन से डिक्रीज हो गया ठीक एफ एन फोर का मतलब फिर से इस फंक्शन पे जाएगा एंड अब इसमें काउंट की वैल्यू क्या है फोर है ठीक है तो इफ काउंट इज इक्वस टू जीरो क्या ये कंडीशन ट्रू है नो तो इट विल गो टू नेक्स्ट लाइन तो सी आउट हेलो वर्ल्ड तो फिर से ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा राइट नाउ इट विल गो टू एफ एन सी काउंट माइनस माइनस तो अब क्या होगा काउंट की वैल्यू क्या होगी थ्री एंड फिर से एक और फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये स्टैक में कुछ मेमोरी यूज़ कर लेगा अगेन फंक्शन थ्री ठीक है फंक्शन थ्री फिर से यहाँ पर जाएगा एंड कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू क्या है थ्री क्या ये काउंट जीरो के बराबर है नहीं फिर से सी आउट क्या हो जाएगा एच डब्ल्यू ठीक है ऐसे चलता जाएगा टिल फाइव टाइम्स ठीक है यहाँ पर भी टू के लिए मेमोरी यूज़ होगी एफ एन वन के लिए यूज़ होगी अब एफ एन ज़ीरो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी ठीक है तो एफ एन जीरो पर यह गया इधर गया यहाँ पर काउंट क्या है ज़ीरो इफ़ काउंट बराबर ज़ीरो यस देन यू हैव टू रिटर्न देन यू हैव टू रिटर्न तो ये क्या कर देगा कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा बल्कि इस फंक्शन में से बाहर आ जाएगा वॉट इट विल कम इट विल कम आउट ऑफ द फंक्शन जैसे ही आप फंक्शन से रिटर्न करते हो तो टैग में से आपका फंक्शन क्या होना लग होने लग जाता है पॉप होने लग जाता है तो पहला जो था एफ एन जीरो था वो स्टैग में से क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा मतलब कि निकल जाएगा ठीक है तो ये वाली जो स्पेस होगी ये वाली जो स्पेस होगी वो अब क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी सिंस एफ एन फाइव के अंदर एफ एन फोर चला था एंड एफ एन फोर के अंदर एफ एन थ्री चला था एंड सो ऑन तो एफ एन वन के अंदर एफ एन जीरो चला था ठीक है तो इसके प्रीवियस वाले इस पर चला जाएगा वो एफ एन जीरो से जब रिटर्न करा तो एफ एन वन पे जाएगा ठीक है तो एफ एन वन जब चल रहा था तब एफ एन जीरो कॉल हुआ था राइट तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है सी आउट दी एंड ठीक है तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा सी आउट दी एंड ठीक है और वो किसका होगा फंक्शन वन का होगा इसके बाद क्या होगा फंक्शन वन आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से ये भी पॉप हो जाएगा एंड ये वैली जो स्पेस है ये भी फ्री हो जाएगी ठीक है इसके बाद आपका फंक्शन वन से रिटर्न करके आप किस पे जाओगे फंक्शन टू पे जाओगे राइट right? आप फंक्शन टू पे गए फंक्शन टू पे गए यहाँ पर फंक्शन वन कॉल हुआ था फंक्शन टू पे गए तो फिर वापस से इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है दी एंड ठीक है तो यहाँ पर the end print हो जाएगा, फिर से फंक्शन टू क्या होगा फ्री हो जाएगा stack में से और ये ये वाली जो होगी हो जाएगी, राइट right? तो इसलिए आपको एक बेस कंडीशन अपने रिकर्सिव फंक्शन में लगानी होती है सो दैट इट डज नॉट थ्रो दी स्टैक ओवरफ्लो एरर ओके और अगर आप देखें ऊपर तो यहाँ पर कभी दी एंड प्रिंट नहीं हो रहा था क्यों नहीं हो रहा था क्योंकि आपका कोई फंक्शन कभी एंड ही नहीं हो रहा था प्रिंट एच डब्ल्यू फाइव कॉल किया उसके अंदर एच डब्ल्यू फोर कॉल हो गया जब तक रिटर्न कुछ नहीं आएगा एच डब्ल्यू फोर से तब तक आप इसके नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा सकते राइट और क्या हो जाता है प्रिंट एच डब्ल्यू फोर के अंदर ही प्रिंट एच डब्ल्यू थ्री कॉल हो जाता है तो ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा था तो अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे ऑन रिकर्जन दैट इज़ फिबोनाकी सीरीज़ तो फिबोना की सीरीज़ क्या होती है फेबूना की सीरीज़ के पहले दो एलिमेंट्स होते हैं जीरो एंड वन ठीक है बाद के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं प्रीवियस टू एलिमेंट्स के सम से ठीक है तो जीरो और वन का सम क्या होता है वन वन और वन का सम क्या होता है टू वन प्लस टू का सम थ्री थ्री प्लस टू का सम फाइव फाइव प्लस थ्री एट एंड सो ऑन तो ये सीरीज़ इस तरीके से बनाई जाती है कि फिबुना सीरीज़ में एनथ पोजिशन पे जो भी नंबर होगा एन एथ पोजिशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन पे जो भी नंबर होगा वो क्या होगा प्रीवियस टू एलिमेंट्स का सम होगा तो एन माइनस वन और एन माइनस टू ये प्रीवियस पोजिशन हुई इन दोनों की वैल्यूज़ uh, का सम होगा राइट तो अब अगर हम इसका फंक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इंट फिबोना की ठीक है इसमें इंड एन डाल देंगे एज एन इनपुट ठीक है तो हमें सीधा सीधा क्या रिटर्न करना है रिटर्न फिबोनाकी ऑफ़ एन माइनस वन प्लस फिबोनाकी ऑफ एन माइनस टू बेस कंडीशन क्या होगी इफ़ एन इज इक्वल्स टू वन मतलब कि फर्स्ट पोजिशन है फर्स्ट पोजिशन पर क्या है जीरो तो so, सीधा सीधा क्या रिटर्न करना है ज़ीरो ठीक है एंड इफ़ एन इज इक्वल्स टू टू मतलब कि सेकेंड पोजिशन तो सेकेंड पोजिशन पर हमको क्या रिटर्न करना है वन तो हम रिटर्न कर देंगे वन अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं सपोज आपको फेबोनाकी ऑफ सिक्स कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए आपको फिबोनाकी ऑफ फाइव एंड फेबुनाकी ऑफ फोर कैलकुलेट करना होगा एंड फर्दर इट विल गो टू फोर फेब ऑफ थ्री एंड फेबर गो टू फेब ऑफ टू एंड फेब ऑफ वन इट विल नॉट गो फर्दर बिकॉज यहाँ से रैल्यूज क्या हो जाएंगे <laughs> टोटल आपका रिकर्जन्स uh, होंगे इतनी बार आपके फंक्शंस कॉल होंगे ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपकी वैल्यू ये एन है तो एट मैक्स आपके कितने नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल होंगे यहाँ पर आप टोटल नोट्स गिन सकते हैं टोटल नोट्स विल बी इक्वल्स टू टू की पर एन माइनस वन टू की पर एन माइनस वन एंड हर ऑपरेशन ओवन टाइम का है हर ऑपरेशन किसका है ओवन टाइम का है राइट right? इसमें हम कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं या तो एडिशन हो रहा है या फिर कंपेरिजन हो रहा है राइट तो हर uh, हर ऑपरेशन ओवन टाइम का ही है ठीक है तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी right? so क्या हो जाएगी ओ टू की पावर एन राइट सर दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ नोड्स ठीक है जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी ही आपके क्या फंक्शंस के कॉल्स हैं ठीक है तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये क्या है एक्सपोनेंशियल है एक्सपोनेंशियल है ठीक है इसको हम लीनियर कैसे मतलब बना सकते हैं लीनियर मतलब कि ओ ऑफ एन कैसे बना सकते हैं लीनियर करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो फिब ऑफ थ्री जो है वो कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है फोर टू एंड थ्री टाइम्स एक ही चीज़ बार बार कैलकुलेट हो रही है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे मेमोइजेशन मेमोइजेशन क्या कहता है मेमोइजेशन ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लो तो उसकी वैल्यू को कहीं स्टोर कर लो सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आपको उस वैल्यू की डिमांड हो तो आपको रिकैलकुलेट ना करना पड़े बल्कि आप उसकी जो स्टोर्ड वैल्यू है उसी को यूज कर लो ठीक है जैसे कि ये फेब ऑफ थ्री था तो इसमें हम फेब ऑफ टू और फेब ऑफ वन पे भी जाते हैं ठीक है सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है एंड सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है तो सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करो एंड उसको किसी जगह स्टोर करके जब नेक्स्ट टाइम उसकी डिमांड हो तो वो स्टोर्ड वैल्यू ही यूज़ कर लो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मेमोराइजेशन एंड थ्रू दैट वॉट विल हैपन हमारी जो रिपीटेशनस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्योंकि डिक्रीज हो जाएंगे एंड हर वैल्यू की अगर आप देखेंगे तो सिक्स भी एक बार कैलकुलेट होगा फेब ऑफ फाइव फोर थ्री टू वन ये जो वैल्यूज है ये सब एक एक बार कैलकुलेट होगी तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ ऑफ आ जाएगी